हेलो एवरीबॉडी, आज के स्टूडेंट्स मैं आपको एडवांस पैसिवाइज हिंदी से अंग्रेजी में जो बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया बहुत ध्यान पूर्वक से देखें, जब तक ये नहीं आएगा तो आपको अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते आप, ना कोई बड़ी लिटरेचर बड़ा समझ सकते हैं आप, कोई भी मेडिकल कोई भी इंजीनियरिंग किताबें आप नहीं समझ सकते रियल स्टूडेंट। तो वॉच इज अटेंटिवली और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। राइट, लुक हियर, नाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है पैसिव वॉइस, हिंदी का पैसिव वॉइस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाउ इसमें पहचान डियर स्टूडेंट क्या होती है, वाक्य के अंत में क्या होता है। राइट, लुक हियर, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं या जा रहा हूं, जब इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और डूअर नहीं होता यानी सब्जेक्ट नहीं होता और ऑब्जेक्ट पर फोर्स दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को शो किया जाता है, ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट पर बल दिया जाता है, तो उस टाइप का सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, लुक हियर केयरफुली। नाउ स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड इफ। राइट, तो लुक हियर, मीठा खाया जा रहा है, लुक हियर, मीठा खाया जा रहा है, कौन खा रहा है डियर स्टूडेंट, वो गायब है, मीठा खाया जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ चीज है, लेकिन काम करने वाला प्रेजेंट नहीं है। जब ऐसे वाक्य होते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं, लुक हियर केयरफुली, ओके, मीठा खाया जा रहा है तो सुगरी, सुगरी इज बीइंग टेकन, सुगरी इज बीइंग टेकन, और आलू भूनी जा रही है। नाउ द सेकंड एग्जांपल, द पोटैटोस are being roasted, right? The third example, झंडा रोहण किया जा रहा है, झंडा रोहण किया जा रहा है, कौन कर रहा होगा ये भाई, तो झंडा रोहण किया जा रहा है, look, the flag is being hoisted, the flag is being hoisted, right? Now the last one is, हमें मजबूर किया जा रहा है, we are being forced, we are not being forced, अगर negative होगा, अगर क्या होगा तो ये क्या होगा, आर वी बीइंग फोर्स्ड, क्या हमें मजबूर किया जा रहा है। विद दिस आई वुड लाइक टू कम टू एन एंड दिस वीडियो, आई होप इट इज क्लियर टू यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।